सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि SSR अगस्त 2019 एंट्री। तो देखिए इसकी जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें वही हैं लेकिन कुछ जो अंतर है वो समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो इसमें 2500 वैकेंसी हैं, राइट। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैथ्स और फिजिक्स के साथ 10+2 और एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर उसी की तरह एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एज क्राइटेरिया इसमें है 1 अगस्त 1998 टू 31 जुलाई 2002। ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, राइट। तो दिस इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस बार SSR का टेस्ट भी इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है जैसा कि पिछली कई बार से ये प्रयास कर रहे थे। सेलेक्शन ऑफ रिक्रूट्स इज बेस्ड ऑन द स्टेट वाइज मेरिट ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो स्टेट वाइज इसमें एक मेरिट लगती है, जो आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया है उस पर बेस होगा रिक्रूटमेंट, आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट पर होगा और आपके मेडिकल एग्जामिनेशन पर होगा, राइट। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका जिसमें आपको मैक्सिमाइज अपना स्कोर करना है, दूसरा है फिजिकल फिटनेस टेस्ट और तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, बाइलिंगुअल होगा, मल्टीपल चॉइस, इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज 4 सेक्शंस होंगे जैसा डबल ए में रहते हैं। 10+2 का स्टैंडर्ड होगा, वेबसाइट पर आपको सिलेबस मेंशन किया हुआ है और SSR और डबल ए का लगभग एक ही सिलेबस है, लेकिन डबल ए के क्वेश्चंस के टिपिकल लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू SSR, राइट। दूसरा है 1 घंटे का समय मिलेगा, तो यहां स्पीड और एक्यूरेसी जो भी आप ट्रिक्स सीखें कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करें, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 30 से 35 सेकेंड का समय मिलेगा। कैंडिडेट्स आर टू रिक्वायर्ड इन ऑल सेक्शंस एंड इन एग्रीगेट। तो कट ऑफ उसी तरीके से लगेगा जैसा मैंने नेवी के में एक्सप्लेन किया डबल के में, कि इंडिविजुअल इंग्लिश साइंस मैथ्स और जीके का भी कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और एग्रीगेट भी करना पड़ेगा। अगर इनका 10-10 मार्क्स है तो वो तो करना ही है, उसके साथ अगर एग्रीगेट 44 है तो एग्रीगेट आपको 44 मार्क्स लाने। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 0.25 मार्क्स की जैसा कि डबल ए में भी होती थी। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में इसमें आपको 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। एयरफोर्स में कितना हो गया 6.5 और इसमें कितना है 7 मिनट में आपको दौड़ना है। 20 उठक बैठक स्क्वेड अप्स और 10 आपको पुशअप्स लगाने हैं, ये आपको अपने ऑन रिस्क पर करना है, ठीक है ना। और जो 18 ईयर्स के नहीं है उनको पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म ले जाना पड़ेगा इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। सलाह आपको ये दी जाती है प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स स्विमिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज डिजायरेबल, ये होनी चाहिए जिससे कि जो टास्क होने वाले हैं उनमें आपको सुगमता होगी सरलता होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड्स वही हाइट है वही एक्सपेंशन है। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए, जहां कहीं कोई दिक्कत लगती है कंसल्ट करिए उससे संबंधित डॉक्टर से, राइट। क्योंकि कानों का अलग होगा, दांतों का अलग होगा, आंखों का अलग होगा, तो डॉक्टर सब अलग अलग होंगे, चेस्ट का अलग होगा। 205 रुपये फीस है जो कि आपको पे करनी होगी, SC ST को ये फीस पे नहीं करनी है जो बच्चे SC और ST से हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई और रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एक बार जो फीस आपने पे कर दी इट कैन नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस, ये किसी केस में रिफंड नहीं होगी। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे indiannavy.gov.in,
यहाँ पर कुछ चीजें हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स कैन नॉट बी चेंज, एक बार आपने जो सेलेक्ट किया वो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो सकता। कॉल अप लेटर्स एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड प्लेस विच आर शेड्यूल ड्यूरिंग फरवरी 2019 में होगा और आप इसको एंड ऑफ जनवरी 2019 तक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा, आपके घर पर कोई चिट्ठी पत्रिका नहीं भेजी जाएगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा आपकी ईमेल आईडी के थ्रू होगा, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू होगा। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन पीएफटी के समय होगा जैसा कि डबल ए में होता है और आपको उनको ओरिजिनल्स को अपलोड करना पड़ेगा। इसमें मेन चीज़ ये है कि 30 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है, डबल ए में भी और एसएसआर में भी, लगभग 30 दिन बाद। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चों को यहाँ पीएफटी और प्रिलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनमें से केवल कितने को लिया जाएगा, 2500 को, जैसा कि मैंने आपको, तो यहाँ पर 1/4 प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, यानी चार में से एक बच्चा लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो कितने बच्चे लिए जाएंगे, 25 बच्चों का केवल सिलेक्शन होगा। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड अपॉन द वैकेंसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यहाँ स्टेट वाइज वैकेंसीज बांटी गई हैं तो स्टेट वाइज ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। द क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स फॉर अपियरिंग इन पीएफटी एंड प्रिलिमिनरी रिक्रूट मेडिकल मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज, जिन्होंने पीएफटी में पास किया है, प्रिलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में पास किया है, तो वैकेंसीज के अनुसार स्टेट की एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर दो कैंडिडेट सिमिलर कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं तो द कैंडिडेट्स विद हायर परसेंटेज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल सेलेक्ट फॉर द फाइनल एनरोलमेंट मेडिकल्स। अगर वैकेंसीज के अनुसार भी देखा जाए और देखा जाता है कि दो बच्चे एक सा स्कोर कर रहे हैं तो उनके 12th के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उस बच्चे को वो लोग प्रेफर करेंगे। मेरिट लिस्ट 20 जून 2019 को आएगी वेबसाइट पर। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, 14 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये फॉर्म्स अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका प्रोसीजर है 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अपने आप को joinindiannavy.gov.in से रजिस्टर करें, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, लॉगिन सेक्शन में जाएं, करंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाएं, अप्लाई करें, पूरा फॉर्म भरें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें, राइट? और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, ब्लू। तो दीज आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस टू फिल अप दिस फॉर्म, ओके? इनमें कहीं आप गलती मत करिएगा और बाद बाकी का कुछ आप पूछना चाहते हैं इसके संदर्भ में वो मुझे पूछ सकते हैं। डबल ए के कुछ जो ट्रेड्स हैं यार, यानी कि वो डिप्लोमा टाइप होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, और एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स है, इसमें आपको कोई भी ट्रेड अलॉट किया जा सकता है, टेक्निकल भी, कुछ टेक्निकल से रिलेटेड नॉन टेक्निकल ट्रेड ज़्यादातर वो होंगे, राइट? तो बाद बाकी का जो टेक्निकल जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं वो सब डबल ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस से रहते हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास इनके लिए दिसंबर भी पूरा बाकी है, जनवरी भी पूरा बाकी है, ठीक है ना? तो 2 से 2.5 महीने का समय है, सिलेबस के अनुसार आप इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपकी वीकनेस पिछली बार रह गई है, अगर जो आपने पिछली बार टेस्ट दिया है कोई, तो उनको भी दूर करने का प्रयास करें। जो टॉपिक नहीं है उनमें थोड़ा सा और समय डिनोट करें, क्योंकि 2 महीने का समय बहुत होता है, राइट? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा 1 महीने का क्रैश कोर्स लेते हैं ऑनलाइन और उन्होंने भी सिलेक्शंस दिए हैं बहुत सारे, तो 2 महीने तो मोर देन सफिशियंट और 2.5 महीने तो और भी ज़्यादा सफिशियंट है। सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को चूज करिए जो कि आपको कठिन लगते हैं अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय है। एंड में उन टॉपिक को छोड़ दिए, मैं जब एंड में सलाह देता हूँ, जब एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक बचता है, तो मेरी सलाह रहती है कि आप पूरी तरीके से उन टॉपिक्स को छोड़ दें जो कि आपको टिपिकल लगते हैं, नहीं आते, क्योंकि अभी आप देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसी पर काम करें। लेकिन चूंकि समय बचा हुआ है तो आपको मैं अभी सलाह दूंगा कि आप अपनी वीकनेस पर काम करिए, तो जो अपनी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें और फिर एंड में जाके कुछ वीकनेस आपकी बचेगी ही नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो, राइट?
Thank you.